हमारे बीच में आदरणीय अंजुला जी अंजुम बैठी हुई हैं जिनका दिल्ली प्रवास है और मैं समझता हूँ कवि सम्मेलन सुनने के लिए आई हैं या कवि सम्मेलन उनका कविताओं में इंटरेस्ट है बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं मैंने पहली बार पहले भी शायद आपकी कविताएं सुनी हैं आगरा में सुनी है मुझे पता है बहुत अच्छे गीत कहती हैं बहुत अच्छे गज़ल कहती हैं आपकी नौ नौझील की बेटी हैं मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि आप तमाम बाहर के इन वृक्षों को पूजेंगे बरगदों को पूजेंगे लेकिन आंगन की तुलसी की जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक आपको पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है आपके अपने आंगन की ये तुलसी है जिसका नाम अंजुला अंजुम है मैं चाहता हूं कि आप उसकी कविताएं सुने उसके बाद में हम इन बाहर के लोगों को सुनेंगे अगर मेरे कथन से सहमत हैं तो जोरदार तालियाँ बजा करके इस बेटी का स्वागत कीजिएगा जो आपके बीच में काव्य पाठ करने के लिए आते सुसज्जित मंच को नमन करती हूँ आदरणीय मुफतलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सामने देख करके बुला लिया प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं और आप सबका आशीर्वाद लटू, लटूरी जी मैं आपको बता दूं कि मैं इस आंगन की तुलसी हूं मैं इस आंगन की बहू हूं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ये पहला कवि सम्मेलन जो मैं देख रही हूं यहां पर चांद तारों पे हक जताने की तैयारी है चांद तारों पे हक जताने की तैयारी है स्वार्थ में डूबे हैं और क्या गज़ब खुमारी है स्वार्थ में डूबे हैं और क्या गज़ब खुमारी है सारी दुनिया को संभालू संभालू खुद को भी मात्र शक्ति बैठी हुई है यहाँ पर कि सारी दुनिया को संभालू संभालू खुद को भी मैं बेटी हूँ मेरी कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है मैं बेटी हूँ मेरी कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है और एक छोटा सा परिचय और ये मंच बहुत सुसज्जित है और ये बीच में मैं आकर के खड़ी हूँ ये दृष्टता है मंच की मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी की अब सिर्फ एक अंतिम मुक्त है क्योंकि पके हुए चावलों में सिर्फ एक दे, दाना देखा जाता है जी तब कहती हूँ कि मुस्काती हूँ हर दम कुछ कुछ तो गुम सुमहू मुस्काती हूं हर दम कुछ कुछ तो गुम हूँ बस जाऊंगी मन में एक वैसी तरन पहचान सको तो तुम पहचान मुझे लेना तारों की तारों की तारों की दुनिया का सा हूं। तारों की दुनिया का अनजान सा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मैं तो आपके घर की ही बेटी हूँ बहू हूँ बहुत जब चाहे मन तब सुन लीजिएगा महफिलें अपनी है आंगन अपना है घर अपना है दरबार अपना है जय श्री राधे एक गीत सुना देना नहीं ऐसा इतना भी कंजूसी मंच से नहीं सुनेंगे अपने घर में देखिए हम अपने बच्चे का नाम अपने घर से रखते हैं निश्चित रूप से उनका स्वर उनका तरुन्म उनकी कविताएं बता रही हैं कि वो आज नहीं तो कल पूरे देश में उन्हें बड़े सम्मान के साथ सुना जाएगा नौ जीत का नाम दूर दूर, दूर तक इस मिट्टी की खुशबू को ले जाएंगी आज जैसे आप झाड़ी वाले की जय लगाते हैं तो अपने बच्चों से भी अपने आंगन की पहचान होती है जोरदार तालियां बजा करके गीत का उनसे आग्रह कीजिएगा वो एक गीत पढ़े इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय यह आपका प्रेम है स्नेह है जो मंचों से मुझे अक्सर मिलता रहता है और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने घर में जब एक बहू एक बेटी कदम बढ़ाती है तो बहुत कुछ सोचना है सोचना पड़ता है क्योंकि मेरे हाथों में एक नहीं दो दो परिवारों की जिम्मेदारी है तब कहती हूँ और श्रृंगार का बड़ा ही संभला हुआ गीत जिसे मैं पूरे परिवार के सामने गा सकती हूँ दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो बात हो जाएंगी राज खुल जाएंगे प्यार से बैठ कर और मनोहार से प्यार से बैठ कर और मनोहार से जिंदगी के सबक सार मिल जाएंगे दो घड़ी के लिए वाह 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 शानदार वा, वा, बंद प्रस्तुत करती हूँ जानती हूँ बड़ी व्यस्तता है बहुत पर करो क्या सनम विकलता है बहुत अपना एहसास दो और जरा थाम लो अपना एहसास दो और जरा थाम लो चाँद आसुमा की हदों तक निकल जाएंगे दो घड़ी के लिए मिल सको तो मिलो